अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात तो यकीनन बड़ी अजीब सी है, लेकिन मैं बेइंतहा खुश हूं कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। जी क्या है? ये तो होना ही था। और दूसरी शादी के लिए मुझे अपनी पहली बेगम से इजाजत चाहिए थी। मैंने उनसे बात की, ना सिर्फ उन्होंने इजाजत दी बल्कि इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो मेरी दूसरी बीवी और अपनी सौतन के साथ बिल्कुल बहनों की तरह रहेंगे। वाह, अरे सो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दूसरी शादी की पहली तैयारी मेरी पहली बीवी ने की। उन्होंने ना सिर्फ मेरी दूसरी बीवी को दुल्हन बनाया बल्कि शादी के गीत भी गाए। हैं? बड़े बात। ये वो पोस्ट है जो मैंने फेसबुक पे पढ़ी। आप यकीन कीजिए, तब से मेरी जो कैफियत है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। करे मैं शो जो निकल के इजाजत लेने चले। अच्छा मैं आपको बताऊं, इस बात पे आप पे कत्ल का पर्चा भी हो सकता है। क्यों? कुछ घर होंगे ना कि ऐन आपकी बात सुनते सुनते आखिरी पोर्शन सुनने से पहले किसी की केबल चली गई हो, तो वहां जितने हार्ट अटैक हुए होंगे उन सबके जिम्मेदार आप करार पाएंगे। क्योंकि दूसरा चांस भी गया ना। आप ऐसी पोस्ट क्यों पढ़ते हैं? इसमें मेरा कसूर बताइए क्या है? मैं हनी भाई की बात से इत्तफाक करता हूँ, इस तरह की सारी पोस्ट्स आपकी टाइमलाइन पे क्यों आती हैं? मैं जाती तौर पे खुद भी बहुत परेशान हूँ। नहीं, बिल्कुल ये अच्छा फील नहीं है। अगर आप पहले से खुश हैं तो आपको क्या जरूरत पड़ी है? आज आप मुझे इतने मासूम लग रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं आपको गले से लगा लूं। ऐसे लग रहा है सारी बातें दिल से नहीं कर रहे है ना? आप ये बातें गुर्दे से कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ। आपकी आंखों में जो मोटी मोटी ग्लेर है। आप अभी कैसे? मैं खुश हूँ, खुश हूँ, कैसे? मैं खुश हूँ, अल्लाह की कसम। ये खुशी के आंसू हैं। सही बात है। मैं खुश हूँ और मेरी दुआ है जो लोग खुश हैं वो खुश ही रहे।